Welcome. सत्रीकाल एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अमृतसर. एक्चुअली वीकेंड था और मैंने और तारिका बहुत ही कंटेम्पलेट करने के बाद, हम पहले उत्तराखंड जाने वाले थे, फिर उत्तराखंड कैंसिल किया बिकॉज देर आर सो मैनी लाइक हैवी रेन्स की वहाँ पर ऐसे संभावना थी. और फिर उसके बाद वो कैंसिल किया, फिर हमने सोचा दिल्ली में कहीं स्टेकेशन करते हैं, गुड़गांव साइड, फिर वो भी कैंसिल. फिर मुझे लगा कि नहीं यार, गोल्डन टेम्पल आना था बहुत टाइम से, हम दोनों साथ में जाने वाले थे. वैष्णो देवी भी जाने का था कि हमने पहले ऐसा सोचा गोल्डन टेम्पल मतलब अमृतसर और वैष्णो देवी साथ में करेंगे, बट तारिका एज शी इज़ इन टू 9 to 5 जॉब, तो उसको फिर सिर्फ वीकेंड ही मिलता है सैटरडे संडे. तो हमने सोचा एक वीकेंड हम अमृतसर कर लेते हैं और दूसरे कभी वीकेंड पे हम वैष्णो देवी कर लेंगे. सो या लेट्स गो, तारिका इज ऑल्सो रेडी, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर अमृतसर. बाय द वे, हमारे रूम तो बहुत ही पूरा हमने मैस कर दिया, पहले हमें करना चाहिए था व्लॉग, बट कोई नहीं, दिस इज द व्यू. ये होटल का जो ना, दिस होटल इज बेस्ट वेस्टर्न होटल. ये जस्ट ऑन द वे है गोल्डन टेम्पल के, मतलब यहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर है. तो या चलो फटाफट से चलते हैं, नीचे से ऑटो लेते हैं और गोल्डन टेम्पल चलते हैं. लेट्स गो. ये तो सेकंड, तो ग्राउंड पे जाना है. हम ऑटो से यहाँ पर उतर गए हैं गोल्डन टेम्पल के सर्कल एक, वहाँ से अंदर. फिर गाड़ियाँ नहीं अलाउ करते हैं जाने के लिए, तो हम ऑटो वाले भैया ने हमको वहाँ पर ड्रॉप किया. हमसे 150 रुपये लिए थे वहाँ से यहाँ तक का, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था. अभी हम जा रहे हैं, पहले मत्था टेकेंगे कि पहले खाएंगे क्योंकि भूख लगी हुई है कल रात को, मतलब तो देखते हैं. और क्योंकि लाइन लगती है टेम्पल में, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगती है, तो वी आर नॉट श्योर कि भी पहले देखते हैं, अगर कुछ खाने का दिख गया तो थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, हल्का फुल्का ऐसी कुछ थोड़ा, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट चलेंगे आराम से अच्छे से दर्शन करें, क्योंकि अंदर आराम से बैठेंगे हम. कितना चेंज हो गया यार, मैं बचपन में छोटी थी, मतलब बचपन में छोटी क्या होता है, बचपन में बचपन ही होता है. कितने साल की रही होंगे तारिका? मैं तो 8th में थी, 7th में थी. हाँ तो मैं 9th 10th में रही हूँ, इतनी भी छोटी नहीं थी, मतलब ठीक थी, याद है मुझे, पर बहुत कुछ चेंज हो गया, लाइक सो मच. गाइज हमने अभी कुलवंत सिंह कुलचे वाले जो है यहाँ पर, विच इज़ वेरी फेमस, वहाँ पर हमने कुलचे खाए. एक ही कुलचा लिया था हमने, हमने सोचा कि बस थोड़ा सा खा लेते तो एनर्जी आ जाएगी, फिर उसके बाद अंदर टेम्पल, फिर आराम से बाद में खाएंगे. जस्ट इतना ज़्यादा हाइप्ड है वो और इतना ज़्यादा फेमस है, पर ठीक था, सो था, लस्सी वॉज नॉट दैट ग्रेट, कुलचा ठीक था, क्रिस्पी था, अच्छा लगा मुझे. अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर, लेट्स गो. कौन सा वाला लिया तूने? नेहा कक्कड़, ये नेहा कक्कड़ ने पहना हुआ है, बता रहे भैया. क्या नाम है शॉप का आपके? विरसा कलेक्शन. अच्छा, के कौन सा लिया तूने वाइट? देखो मैंने बोल दिया तो मैं पीछे, मैं उसको डालूंगी मेरे चैनल पे, आप देख लेना, एक हफ्ते बाद वीडियो आ जाएगा. तो
इससे थोड़ा बार्गिन करा लिया खुश हो गई है हाँ चलो चलो ये लेके जा रहे हैं हम कुछ ठीक है ओके थैंक यू भैया हाँ ले लेती हूँ ये सही याद दिलाया इसे ठीक है ओके चल कहाँ पर है ये वाली हमें थक गया जैसे ही लोगों तो पर बोले थे मालूम पड़े आपड़ा लोगों ने एक तो मोढ़ा मत लखेल थी अच्छा ये वाली है ये सारा हैंड ब्रेक हेलो आओ तो एवरीबॉडी अभी हमने गोल्डन टेंपल में दर्शन कर लिए हैं और पेट पूजा भी कर ली है थोड़ी शॉपिंग भी कर ली है तो एवरीथिंग इज़ डन नाउ फिर से हम ऑटो देख रहे हैं ऑटो करेंगे और हम होटल जाएंगे कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद फिर शाम को विल गो एंड स्ट्रीट फूड का मज़ा लेंगे हम शाम को बट अभी थोड़ा सा चले जाते हैं थोड़ा सा होटल में करके इस तरह ऑटो दिख रहे हैं ऑल चेंज्ड अभी हम थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होके होटल चले गए थे वहाँ से फिर उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू ईट समथिंग लाइक अमृतसर का ऐसे स्पेशल चीज़ है हम ऐसे खाने पीने के लिए जा रहे हैं तो अब पूरा पूरा ऐसे पूरा फूड 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 दिखाई देने वाला था इफ़ यू आर हंग्री ग्रैब समथिंग टू ईट और उसके बाद देखो क्योंकि आपको भी ऐसे मुँह में ऐसे पानी आने वाले या बहुत सारे रिकमेंडेशन आप लोगों के भी आए थे मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था एंड सो मेनी पीपल रिकमेंडेड मी केसर द ढाबा तो सबसे पहले हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे कम से कम 50 लोगों ने बोला वहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ मैंने बोला यार इतना क्या हाइप है मतलब देखते हैं चलो अभी मेरे यहाँ पे कोई लोकल तो पहचान के नहीं है तो मैं जिससे पूछूँ पर हाँ आप लोगों ने बोला है तो आप लोगों की बात ध्यान में रखते हुए यस वी आर गोइंग सिर्फ लस्सी पी रहे हैं क्योंकि आई डोंट नो इनका भी पूरा का पूरा मेन्यू अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से डिनर के टाइम पे रहता होगा या सुबह सुबह रहता होगा तो दे आर ओनली सर्विंग लच्छा पराठा और समथिंग तो मुझे वो नहीं खाना है लाइक चूर नान और ये सब खाना था जो इनका फेमस है यार एग्जैक्ट तो हम लस्सी पी रहे हैं हम जो केसादा ढाबा गए थे वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं रहा क्योंकि उसकी सफाई चल रही थी और दूसरी चीज़ वहाँ का जो स्टाफ था बिल्कुल ही अटेंटिव नहीं था मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे थे तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू भरवान द ढाबा दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस सो या लेट्स गो एंड सी वॉट वी आर गोइंग टू ईट हियर लेट्स गो गाइस हमने ऑर्डर किया है अमृतसरी कुलचे तारीख बताइएगी कैसा है How's it? ये इतना ही रिएक्शन दे रही बट बहुत अच्छा है सच में इतने क्रिस्पी कुलचे हैं ना लाइक वेरी क्रिस्पी एंड राइट राइट आउट फ्रॉम द तंदूर बहुत ज़्यादा टू गुड ओके गाइस तो हमने वहाँ पर खाना खाने के बाद दैट नाम तो मैं इसे भूल ही जा रही हूँ उसका या अमृतसरी कुलचे भरवान द ढाबा और समथिंग सो वहाँ का टेस्ट मुझे अच्छा लगा मतलब इफ़ आई हैव टू रेट इट 10 में से मैं उसको 8 दूंगी जो छोले थे इट वाज नॉट दैट गुड कुलचे वाज गुड क्रिस्पी यम अच्छे थे स्टफ्ड कुलचे और अभी हम आके यहाँ पे बैठे हैं रंग पंजाब क्योंकि ये जो है ना गोल्डन टेंपल वाली लेन में सबसे पहले आता है यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं लाइक स्टारबक्स और ऐसे अगर आपको बिल्कुल टिपिकल खाना खा के आप बोर हो गए हो तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी है तो देर इज़ कॉफ़ी बीन देर स्टारबक्स देर आर फ्यू कैफेज आउट देर रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट्स बाकी जगह बहुत ही लिट सी है बहुत ही मस्त है मतलब सही लग रही है मेरे को ऐसे फूड कोर्ट टाइप का बना के रखा हुआ है हेलो जी अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर इट्स डे टू हियर उठ के नहा धो के रेडी हो गए हैं और अभी होटल में ही हैं क्योंकि सुबह के 9:30 बज रहे हैं
जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे होटल में और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि कल तो हमने ऐसे पूरा गोल्डन टेम्पल वाला और पूरा वो सब एरिया पूरा घूम लिया है। बाय द वे कल बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई है, तो ऐसे आज समझ में नहीं आ रहा कहीं जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो होटल है एक थोड़ी सी ऐसी गलती हो गई कि हमने इसे बहुत ही दूर ले लिया और वहाँ से यहाँ से ओल्ड अमृतसर पहुँचने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, लाइक आधे घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। तो विल सी, देखते हैं अभी नाश्ता करने के बाद कैसी एनर्जी रहती है, फिर उस हिसाब से विल सी। पर अभी आई एम एक्साइटेड फॉर द ब्रेकफास्ट, क्योंकि हाँ ऐसे सारा पेट खाली हो गया है, अब भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट्स गो। नाश्ता करने के बाद और एकदम से नींद लग गई मेरी, अभी उठी हूँ 12:30 तक हमें यहाँ से चेकआउट करना है, अभी सारा जो भी यहाँ पे पसारा किया हुआ है वो पूरा ऐसे पैक करना है, आई मीन ऑलमोस्ट पैक है, थोड़ा बहुत और है तो कर लेते हैं वो पैकिंग वैकिंग, फिर चेकआउट करेंगे। और चेकआउट करके अभी कहाँ जाए, मतलब ऐसे कुछ सॉलिड ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट देखते हैं। चेकआउट करने के बाद लगेज तो नीचे रख सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा समझ में आया आसपास थोड़ा सा देखते हो तो सोचते हैं, नहीं तो फिर कुछ खा पी के और फिर उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन है फॉर दिल्ली टुडे, आज हमने ट्रेन किए जाने के लिए, अच्छा किया ट्रेन की, क्योंकि बस का कोई भरोसा नहीं रहता आजकल जिस तरीके की चीज़ें चल रही है, बारिश की वजह से रोड में कभी भी जैम लग जाता है सब चीज़ें। दैट्स वाई वी बुक्ड ट्रेन टिकट, जो कि हमारी ट्रेन है वो 3 बजे है, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 2:30 बजे तक तो रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। एवरीबडी, तो फाइनली वी स्टेप्ड आउट ऑफ आवर होटल और हमने सोचा कि हम लंच कर लेते हैं उसके बाद हम स्टेशन जाएंगे, तो वी आर इन कुलचेवाला जो कि हमारे होटल से बहुत ही 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में था, एंड इट इज़ वेरी फेमस, यहाँ इतनी भीड़ है, ओ माई गॉड, लाइक ऐसे बहुत ही पुरानी सी शॉप है, आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा। हमने ऑर्डर किया एक लस्सी और एक मसाला कुल्चा, क्योंकि अमृतसरी कुल्चे हमने कल खाए थे, तो हम मसाला कुल्चा ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ इज़ इट। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा रश बाहर बैठना, मतलब वेटिंग बाहर बैठे हम, मतलब हमको वेटिंग थी 10-15 मिनट वेट के करने के बाद हमको टेबल मिला है। तो लेट्स सी कैसा है यहाँ का कुल्चा। ये जो प्याज का है ना, दिस इज़ वेरी टैंगी, एंड ये गुड़ वाली लस्सी है, और ये छोले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। नाउ वी आर ट्राइंग अमृतसरी कुल्चा, हमने तो ये खा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस। पेट भर गया बट मन नहीं भरा पेट भर गया पर मन नहीं भरा। बाय गॉड, ऐसा कुल्चे ना सब बता रही हूँ मैं, तो यही मिल सकता है। Guys, so the trip is about to an end. By the way, आपको मैं दिखाती हूँ कि हम जब एक ही ये बैकपैक लेके आए थे, क्योंकि obviously 2 दिन का ही था, और ये झोला भर के हम शॉपिंग करके लेके जा रहे हैं। Look at this face, जो बहुत कम ट्रैवल करते हैं वो लोग यही करते हैं। क्या करते हैं? शॉपिंग। हाँ, शॉपिंग। Oh my God. Yeah, you do. You did. Actually, you did. ओके एवरीबॉडी, सो हम खा पी के उसके बाद हम होटल गए, अपना लगेज लिया और हम अब स्टेशन आ गए। हमारी ट्रेन है अभी 3 बजे की अमृतसर से दिल्ली की, और इट हैज़ बीन ग्रेट 24 आवर्स इन अमृतसर। होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, इफ़ यू डिड देन आपको पता है आपको क्या करना है, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और सी यू soon with another video. मेरे चैनल पे आपको मंडे थर्सडे एंड सैटरडे नए वीडियो देखने को मिलते हैं, तो डू सब्सक्राइब, एंड या आपको मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। टिल देन, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।